आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी में दो अंतर बताइए। तो ये प्रयोगशाला तापमापी है और ये डॉक्टरी तापमापी है। ये दोनों की पतली नली है, ये दोनों में होता है और इसी पतली नली में पारा ऊपर नीचे चढ़ता है। ये पतली नली देखिए कि प्रयोगशाला तापमापी में सब जगह एक समान दिखता है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। इसको कहते हैं विभंग। ये विभंग है जो कि प्रयोगशाला तापमापी में नहीं होता है, इसमें होता है। और इनकी सीमाएं देखिए, ये 35 डिग्री से प्रारंभ हो रहा है और 42 डिग्री पे खत्म हो जा रहा है। यानी कम से कम 35 और अधिक से अधिक 42 डिग्री सेल्सियस तक ही ये नाप सकता है। जबकि यहाँ पर देखिए, ये शून्य से प्रारंभ हो रहा है और इसकी सीमा इधर बहुत ज्यादा, यहाँ तो 200 लिखा हुआ है। वैसे सामान्यतः यदि 10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक की सीमा वाले प्रयोगशाला तापमापी ज्यादा उपयोग में आते हैं, तो इसकी सीमाएं जो है इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, तो यही इनमें अंतर है। तो चलिए हम दो कॉलम बना लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं अपने पृष्ठ को और अंतर उनमें लिखते हैं। तो यह है इन दोनों तापमापियों में अंतर। पहला अंतर है इनके पतले नली में विभंग नहीं होता, हमने चित्र में देखा। इनके पतले नली में विभंग होता है, ये भी हमने चित्र में देखा। दूसरा अंतर है इसका परिसर, अर्थात कहाँ से कहाँ तक ताप नापता है उसको हम कहते हैं परिसर। तो इसका परिसर ऋण 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, अर्थात ये शून्य से भी नीचे का ताप नाप सकता है। जबकि इसका परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर का ताप इन्हीं के बीच में मिलता है और इसका उपयोग केवल मनुष्य के शरीर का ताप नापने में होता है, इसलिए इसका परिसर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रखा जाता है। तो यह है दोनों तापमापियों में मुख्य अंतर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।